इस्तफा देवे ना विदा हेबे समस्या अमेरिका इतिहास रे कलंकित अध्यायर महानायक डोनाल्ड ट्रंप मुंड उपरे झुलुछि महाभियोगरा डेमोक्रेसी खंडा आसंता जनवरी 20 पूर्व ट्रंप को क्षमतार हटाइबा पई प्रस्तुतिर शेष पर्यायर पहुंची महाभियोग प्रस्ताव गत जनवरी 6 रे अमेरिका संसद रे होइतबा हिंसाकांड पई सारा दुनिया राष्ट्रपति ट्रंप को ऊपर दोष लदिछि अभियोग एहा मध्य हेउछि जे ट्रंप का बयान ही तांका समर्थकों को हिंसा पई उस्काई थिला। अमेरिका संसदर निम्न सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव अध्यक्ष नेंसी पेलोसी मध्य ट्रंप का शासन क्षमता हटाइबा प्रस्ताव को समर्थन करिसेंति एहा पूर्वरु मध्य से ट्रंप का विरोध रे महाभियोग प्रस्ताव आनिबा पई दाबी करिथिले राजनैतिक फायदा पई ट्रंप अमेरिका निर्वाचन उपरे प्रश्नचिन्ह लगाइबा सहित राष्ट्रीय सुरक्षा को दुर्बल करिथिबा से कहिसेंति नेंसी पेलोसी समर्थन सह डेमोक्रेटिक पार्टी पक्षर महाभियोग प्रस्ताव पई प्रस्तुति शेष होइछि ट्रंप को 20 जनवरी पूर्व पदरू हटाइबा पई दल पक्षर पूरा रणनीति प्रस्तुत होइछि डेमोक्रेटिक दल पक्षर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव रे प्रथमे प्रस्ताव आगत हेबो ए प्रस्ताव रे उपराष्ट्रपति माइक पेंस को राष्ट्रपति ट्रंप का समस्त क्षमता हस्तांतर पई अपील करा जइबो यह पूर्व नेंसी पेलोसी उपराष्ट्रपति माइक पेंस को अमेरिकार संविधान धारा 25 व्यवहार करने को दावी करते धारा अनुसार जदि अमेरिका राष्ट्रपति मृत्यु हुए जदि इस्तफा दियंती किंवा कर्तव्य पालन अक्षम हेले उपराष्ट्रपति कैबिनेट सहमति में राष्ट्रपति स्थान नहीं पारे वर्तमान अमेरिका संसदर निम्न सदन में ट्रंप विरोधी पार्टी डेमोक्रेटिक पार्टी बहुमत रही है महाभियोग प्रस्ताव पारित होबार संभावना रही है यह पर अंतिम कार्यानुष्ठान ग्रहण पई उपराष्ट्रपति सम्मति आवश्यक उपराष्ट्रपति मंजूरी मिले सर्वशक्तिशाली ट्रंप क्षणिक हराइबे अमेरिका राष्ट्रपति पदर शक्ति और क्षमता ब्यूरो रिपोर्ट अर्गस।